गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, डिपेंड करता है आप कितने बजे देख रहे हो। सो ये वीडियो है वोस्ट लिस्ट ऑफ वैक्सीन्स का, जो हम और आप लेके थाईलैंड में जा सकते हैं। क्या कवर्ड है, क्या कवर्ड नहीं है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके बारे में छोटा सा वीडियो, क्विक वीडियो है। और नेचुरली गोज विदाउट सेइंग आई कीप ऑन अपडेटिंग अबाउट वेरियस कंट्रीज। अगर आपको इंटरेस्ट है ये सब कंट्रीज में ट्रैवल करना, दैट इंक्लूड लॉट ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू अवर चैनल। इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस टू अस इफ यू लाइक दैट बटन ऑल्सो, राइट। सो यहाँ आपको स्क्रीन में कहीं पर दिख जा रहा होगा कि दीज आर द लिस्ट ऑफ अप्रूव वैक्सीन, सिनोवैक, कोविशील्ड, फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन, मॉडर्ना, कोविलो, स्पुटनिक, कोवैक्सीन, नोवोवैक्स, मेडिजन, यूरोवैक। इन सब का आपको साइड में दिखा रहेगा कि कितने डोजेस आपको चाहिए और कितने डोजेस के बीच में गैप क्या होना चाहिए। ये मैं बार बार पढ़ के, मैं रिपीट नहीं कर रहा, आप लोग स्क्रीन को फ्रीज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये हो गया नंबर वन। नाउ आप फुल्ली वैक्सीनेटेड है कि नहीं, ये कब कंसिडर किया जाएगा। नाउ दे हैव गॉट टू डोजेस ऑफ वैक्सीन, यू एंड आई हु हैव गॉट दो डोजेस ऑफ वैक्सीन, नो लेस देन 14 डेज बिफोर द ट्रेवल टू थाईलैंड। उसका मतलब मान लीजिए अगर आप 1 जून को जा रहे हैं, 15 मई उससे पहले आपने सेकेंड डोज भी कंप्लीट कर लिया होगा, तो आपको कंसिडर किया जाएगा फुल्ली वैक्सीनेटेड। जो सिंगल डोज ऑफ वैक्सीन लेके रखें, अगेन विद इन 15 डेज ऑफ, नो लेस देन 14 डेज रादर ऑफ ट्रेवल टू थाईलैंड, वो दूसरा है। सेकेंड मिक्स एंड मैच, मतलब किसी ने एक डोज आई डोंट नो सिनोवैक का लिया है, दूसरा डोज कोवैक्सीन का लिया है, सो उनका अगर है तो उनका भी जो फर्स्ट वैक्सीन है उसका 14 दिन का गैप होना चाहिए बिफोर द ट्रैवल टू थाईलैंड। सो दीज आर कंसिडर्ड एज अ वैलिड वैक्सीन व्हेन यू ट्रैवल टू थाईलैंड। क्या क्या रिक्वायरमेंट है आपके सो कॉल्ड सर्टिफिकेशन में, नॉर्मली हम और आप जो इंडिया से अगर देख रहे हैं तो मोरलेस ये सब कवर्ड रहता है, फिर भी मैं बता देता हूँ। गिवन नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, पासपोर्ट और आइडेंटिफिकेशन नंबर, कौन सा कोविड वैक्सीन लिया आपने, वैक्सीनेशन के डेट, मैन्युफैक्चरर्स, लॉट एंड ऑथोराइज ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री ऑफ ऑरिजिन, जिस कंट्री से है उसका ऑथोराइजेशन होना चाहिए। किन किन को ये वैक्सीन चाहिए, ठीक है। सो वन, एवरीवन हु इज 18 एंड अबव, इनको ये वैक्सीन चाहिए। एंड अगेन वो 14 डे वाला फंडा जो है, 14 दिन उससे पहले आपका डोज खत्म हो जाना चाहिए। सेकेंड, बिटवीन 5 to 7, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, अगर आपका एज 5 से 17 साल के बीच में, और अगर अकेले ट्रैवल कर रहे हो, अनअकंपनीड ट्रैवल कर रहे हो, तो यू नीड टू ऑल्सो टेक अ वैक्सीन। एल्स अगर आप पेरेंट्स के साथ ट्रैवल कर रहे हो, यू नीड नॉट वरी, दिस वुड बी टेकन केयर। सो यस, मोटा मोटा सा यही है। आई होप आपको ये कुछ फायदा रहा होगा बिफोर यू ट्रैवल टू थाईलैंड एंड ऑल दैट। एंड आई एम सिंसियरली होपिंग ये थाई पास का लफड़ा सब खत्म हो जाए यार, फटाफट हम लोग अपना काम पे लग जाए जहाँ पे हम लोग नॉर्मली ट्रैवल कर सकते हैं। थैंक यू एंड स्टे सेफ। बाय द वे सब्सक्राइब कर लेना यार, टाइम मिले तो। थैंक यू।